बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज जोन्स ऑफ प्रोस्टेट। यह है प्रोस्टेट ग्लैंड की पार्ट टू वीडियो। पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने प्रोस्टेट की सिचुएशन की बात की थी, उसके अलावा हमने इसके ग्रोथ फीचर्स को देखा था। पार्ट टू की वीडियो के अंदर हम इसके जोन्स और इसके स्फिंक्टर्स को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसके जो जोन्स हैं उसको डिस्क्राइब किया था मैकनील ने। अब इसके जो मैकनील ने बेसिकली प्रोस्टेट के तीन जोन्स को डिस्क्राइब किया था। एक होता है इसका पेरिफेरल जोन, एक होता है इसका सेंट्रल जोन और एक होता है इसका पेरी यूरिथ्रल ट्रांजिशनल जोन। अब ये जो सेंट्रल जोन और ट्रांजिशनल जोन है, यानी दिस वन एंड दिस वन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ग्लैंड ऑफ द प्रोस्टेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेरिफेरल जोन की, जिसको हमने शो किया है PZ से। अब ये जो पेरिफेरल जोन है, ये 70% बनाता है ग्लैंडुलर टिश्यू का। इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियरली। इसको हम डायग्राम से पहले देख लेते हैं। दिस वन इज़ द पेरिफेरल जोन। ये पेरिफेरल जोन, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास दो जोन्स प्रेजेंट है। दिस वन इज़ द सेंट्रल जोन एंड दिस वन इज़ द पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन ये वाला और दिस वन इज़ द सेंट्रल जोन। अब ये जो पेरिफेरल जोन है, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। अगर हम मोर प्रिसाइसली बात करें तो पेरिफेरल जोन की लोकेशन प्रेजेंट होती है पोस्टीरियरली बिलो द एंट्री ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट। यानी इजैकुलेटरी डक्ट जो हमने यहाँ पे बात की थी कि पोस्टीरियर सरफेस के अपर बॉर्डर पे यहाँ से दाखिल हो रही होती है इजैकुलेटरी डक्ट, तो इजैकुलेटरी डक्ट की एंट्री से जो नीचे वाला रीजन है पोस्टीरियर सरफेस पर, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल जोन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियरली और मोर प्रिसाइसली बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये 70% बनाता है ग्लैंडुलर टिश्यू का। इट इज़ कैंसर वनरेबल, इसमें कैंसर होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट हम सेंट्रल जोन की बात कर लेते हैं। दिस वन इज़ द सेंट्रल जोन। इट इज़ ये बनाता है 25% ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू। इट इज़ सिचुएटेड पोस्टीरियरली टू द यूरेथ्रल ल्यूमेन एंड अबव द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट की एंट्री से ऊपर ये बेसिकली प्रेजेंट होता है। इसको हम इससे समझ लेते हैं कि यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट एंटर हो रही थी, इससे जो ऊपर वाला रीजन है प्रोस्टेट का, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल जोन ऑफ द प्रोस्टेट। इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन अ डिजीज़। ये किसी भी डिजीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब तक हमने दो जोन्स को देखा, एक पेरिफेरल जोन जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर इजैकुलेटरी डक्ट्स के नीचे प्रेजेंट था, और एक हमने देखा सेंट्रल जोन जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर इजैकुलेटरी डक्ट के अबव प्रेजेंट था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेरी यूरिथ्रल ट्रांजिशनल जोन की, जिसको हमने शो किया है TZ से। ये होता है 5% एंटीरियर टू यूरिथ्रल ल्यूमिन। दिस वन इज द यूरिथ्रा जो कि प्रोस्टेट के अंदर से जा रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब ये प्रेजेंट है ट्रांजिशनल जोन बेसिकली प्रेजेंट है एंटीरियर टू द यूरिथ्रल ल्यूमिन, यानी यूरिथ्रल ल्यूमिन के सामने प्रेजेंट है। इट इज़ इन्वॉल्व इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अकर्स। यानी इसके अंदर हमारे पास जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली जोन्स की। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो सेंट्रल जोन होता है और ट्रांजिशनल जोन होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ग्लैंड। यानी ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्फिंक्टर रिलेटेड टू प्रोस्टेट। एक होता है हमारे पास प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म और एक होता है डिस्टल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। अब ये जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म है, ये यूरिथ्रा के प्रोक्सिमल पार्ट पे लाया करा होगा। हमने बात की थी कि ये होता है बेसिकली प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो कि प्रोस्टेट के अंदर से रन कर रहा होता है, और इसके ऊपर प्रेजेंट है प्री प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और इसके नीचे प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब ये जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, इसके प्रोक्सिमल पार्ट पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म, और जो यूरिथ्रा का डिस्टल पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे डिस्टल पार्ट पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे डिस्टल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म। अब ये जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म है, ये प्रेजेंट कहाँ पे है? इन द प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। प्रोस्टेट के ऊपर
प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेटिक पार्ट था और इसके ऊपर प्रेजेंट था प्री प्रोस्टेटिक पार्ट जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट था। तो जो प्रोक्सिमल यूरिथ्रा स्फिंक्टर होगा वो भी कहाँ प्रेजेंट होगा? प्री प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा के पास। क्लोज इट ड्यूरिंग इजैकुलेशन, जब इजैकुलेशन होती है यानी जब सीमन आ रहा होता है डक्टस डेफरेंस के थ्रू, डक्टस डेफरेंस के थ्रू ये आके इसके अंदर ओपन होता है प्रोस्टेट के अंदर, प्रोस्टेट के अंदर आकर ये यूरिथ्रा के बिहाइंड इसके अंदर आके ओपन हो जाता है। तो इसकी ऊपर की तरफ यानी जो सीमन होता है उसको ब्लैडर की तरफ उसकी रेट्रोगेशन से इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है वो इसको प्रिवेंट करता है और इसको हम बोलते हैं प्रोक्सीमल यूरिथ्रा स्फिंक्टर। यानी जब इजैकुलेशन से सीमन आ रहा होगा तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाएगा जिसकी वजह से सीमन रेट्रोगेट होकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं जाएगा। इफ़ इट गेट रिस्ट्रिक्टेड रेट्रोगेट इजैकुलेशन अकर, और अगर इसको हम रिमूव कर दें या इसकी कोई इंजरी हो जाए या इसकी नर्व को हम डैमेज कर दें तो क्या होगा कि जो सीमन होगा वो ऊपर की तरफ रेट्रोगेट होकर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। इसको उसने कहा कि रेट्रोगेट इजैकुलेशन अकर। रेट्रोगेट इजैकुलेशन का क्या मतलब है कि सीमन जब आएगा इजैकुलेटरी डक्ट से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रोस्टेट के अंदर दाखिल होकर एंटर होगा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर तो वो रेट्रोगेट होकर इन आ जाएगा ब्लैडर के अंदर। ये हमने बात कर ली प्रोक्सिमल यूरिथ्रा स्फिंक्टर मैकेनिज्म की। नेक्स्ट आता है डिस्टल यूरिथ्रा स्फिंक्टर मैकेनिज्म। अब ये जो डिस्टल यूरिथ्रा स्फिंक्टर मैकेनिज्म है ये प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेट प्रोस्टेटिक एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। दिस पार्ट इज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरिथ्रा क्योंकि ये प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और यहाँ से एंटीरियर सरफेस की जो इसके नीचे एपेक्स प्रेजेंट होती है तो एपेक्स के एंटीरो सुपीरियर से हमने बात की थी कि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बाहर आ रहा होता है, यानी ये एपेक्स से नहीं बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा एट द जंक्शन ऑफ प्रोस्टेटिक एंड द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। इट इज़ हॉर्स शू शेप, यानी ये हॉर्स शू शेप का होता है। हॉर्स शू शेप कैसी होती है? यानी ये कुछ इस तरह की शेप का होगा। तो ये हमने बात कर ली जोन्स एंड स्फिंक्टर्स रिलेटेड टू प्रोस्टेट के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैप्सूल्स एंड लिगामेंट्स को देखेंगे प्रोस्टेट के, उसके अलावा हम देखेंगे जो इसके ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।